24 नवंबर को वही इकदामात उठाएंगे जो दहशतगर्दों के साथ किए जाते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़ना बुखारी का इंतबाह, कहा पीटीआई वालों ने क्लियर बता दिया है वो मरने मारने और फसाद करने आ रहे हैं, ये लोग इस्लामाबाद को सील, रियासत के खिलाफ जिहाद करने आ रहे हैं। अलीमा खान तैयारी करें, जो करना है करके भी दिखाएं। वही इकदाम उठाएंगे जी जो दहशतगर्दों के जो है वो साथ किए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना बड़ा क्लियर बता दिया है वो मरने मारने के लिए आ रहे हैं, वो जहाद सियासत रियासत के खिलाफ जहाद करने के लिए आ रहे हैं, वो जो है वो फसाद करने के लिए आ रहे हैं, वो हमारा जो कैपिटल है उसको सीज करने के लिए आ रहे हैं। तो ज़ाहिर है ये करने की इजाज़त तो नहीं दी जा सकती, उनको भी हीरोइन बनने का शौक है ना, तो तैयारी करें आप। ये जो जुमेरात तक टाइम है, फिर जुमे तक टाइम है, ये ना करें, आपके पास टाइम ही टाइम है। अब बराए मेहरबानी जो आपने करना है आप करके दिखाएं। चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो है वो कहा है 81 करोड़ रुपया लगा है पिछले लॉन्ग मार्च के अंदर, जो अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद लेके गया था। इसके ऊपर कोई अदालत, कोई इदारा, कोई बंदा देखने के लिए तैयार है कि ये 81 करोड़ से कितने सारे स्कूल बच्चे बच्चों के बेहतर हो सकते थे? हर एमपीए एमएनए को 2-2 और 4-4 लाख रुपया दिया जा रहा है, कैसे भाई, कहां से, कौन से कानून के तहत? इमरान खान हर एक के बाप को पूछता था ना किसी के बाप का पैसा है, अब बताएं ना ये किसके बाप